हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चिराग पासवान इस समय लोकसभा में बोल रहे थे अब से कुछ देर पहले आरक्षण को लेकर, नौकरियों में प्रमोशन को लेकर जो आरक्षण है उसको लेकर पूरा विवाद। सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हो गई है और चिराग पासवान अपना पक्ष रखते हुए संसद में वो आपको सुनवा देते हैं। का मौका दिया तब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है। सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरीके से और आज ये चर्चा सदन में करने का कारण इसीलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग दी गई और उसमें ये कहा गया कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं है। और सर, इसी में मैं आग्रह करूंगा हमारी केंद्र सरकार से कि वो इस विषय पे हस्तक्षेप करे और सर, आरक्षण से जुड़े हुए जितने भी कानून है उसको वंस एंड फॉर ऑल 9वीं सूची में डालने का काम करें ताकि समय समय पर रह रहकर जो आरक्षण के ऊपर लोग न्यायालय जाकर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर, मंडल कमीशन, सर मुझे 2 मिनट और चाहिए। सर, आप मुझसे मिले थे, आपने कहा था कि मैं विषय उठाना चाहता हूं। आप मुझसे मिले थे, आप में विषय उठाना चाहते हैं? नो, गलत, नो। अर्जुन जी, तो हम आपको बता दें कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण लेना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जब तक कि वैकेंसीज कितनी है राज्य सरकार इस पर रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इसी का विरोध चिराग पासवान संसद में कर रहे थे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।